हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 11th स्टैंडर्ड या 11th साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1.2 नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ये एक ही पैराग्राफ है, बस इतना पैराग्राफ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि केमिस्ट्री जो है इज़ क्लासीफाई इनटू फाइव ब्रांचेस। तो यहाँ पर केमिस्ट्री पांच ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है या यानी कि उसको क्लासीफाई किया गया है, वो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड एनालिटिकल। तो ये पांचों चीज़ों को हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है ऑर्गेनिक। अब याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पहली बात ये समझिए कि ऑर्गेनिक वर्ड आया कहाँ से। ऑर्गेनिक वर्ड आया है ऑर्गेनिज़म्स से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी में जो ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें पाई जाती है, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, याद रखो वो कंपाउंड्स जो है उसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब कुछ जो है इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे यूज़फुल जो चीज़ें होती है इसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स जो है ज़्यादा होते हैं या कार्बन जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ कार्बन्स भी कहा जाता है या स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखिए, इन शॉर्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसके अंदर कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इसके बाद इन का मतलब होता है विदाउट। तो याद रखिए, इनऑर्गेनिक यानी कि वो जो विदाउट ऑर्गेनिज़म या जो ऑर्गेनिज़म में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें भले ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन दे आर नॉट यूज़फुल टू अस, इसलिए उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होता है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, या क्या चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंक्लूड करती है? तो कोई भी मैटर के, अगर आप कलर के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसके मास के बारे में, वॉल्यूम, लेंथ, ओडर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी मैटर के, उसको फिज़िकल केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज एंड डायनामिक्स, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अभी याद रखिए, एटम्स मतलब क्या? अब एटम वर्ड जो होता है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अ का मतलब होता है कैन नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, यानी कि ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी कट फर्दर, उसको एटम बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ को आप ले लो और उसको कंटिन्यूसली काटते जाओ, इतना वो बारीक हो जाए कि वो और ज़्यादा कट नहीं सकता, इनफैक्ट इट इज़ नॉट विजिबल विथ आवर नेकेड आइज, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम। अब एटम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि एटम में दो पार्ट होते हैं, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और उसके आसपास के जो शेल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं एटम के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। देखिए, एक से ज़्यादा एटम्स जुड़ कर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइंस विथ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एटम्स मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये याद रखो, ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और एक और बात बता देता हूँ कि एक जैसे एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बना, तो दैट विल बी नथिंग बट
एन एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक, ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो अपने शेल को छोड़कर दूसरे के शेल में जा सकते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। तो ये हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है एनर्जीज एंड डायनामिक्स। अभी देखिए एनर्जीज एंड डायनामिक्स क्या होता है। एनर्जीज मतलब क्या है, यहाँ पर ये एनर्जीज इससे रिलेटेड है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट करता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी गेन करता है। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है या फिर वो ले लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी से, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये सारा भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स, तो याद रखिए डायनामिक्स जो है इसका मतलब ये होता है कि द वे थिंग्स रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे से रिएक्ट होती है, इसको डायनामिक्स कहा जाता है। इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री वर्ड आया है एनालिसिस से। एनालिसिस मतलब क्या, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, ठीक है। जैसे कि कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया और बोलेंगे भाई इसमें फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप इसमें से कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये आप अगर फाइंड आउट करते हो, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाएगा। या फिर हम ये बोलेंगे कि किसी इंसान के ब्लड का सैंपल आपको दिया गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ब्लड में से ब्लड शुगर कितना है, उसके ब्लड में या यूरिन में कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है, अमोनिया कितना ज़्यादा है, क्रिएटिनिन कितना ज़्यादा है, ये भी एक तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिसिस करना मतलब टू फाइंड, यानी कि कोई चीज़ को खोजना या उसको ढूंढना या एग्जामिन करना, तो ये हो जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो खाना जो है ब्रेक डाउन होता है और फिर वो वेरियस यूटिलाइजेशन वाले या वेरियस यूजफुल केमिकल्स में या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाती है, ठीक है, लिपिड्स अलग हो जाता है, तो ये आ जाता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।